नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवी न्यूज और आपके साथ मैं हूं नीलम सूर्या। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ बड़ी और अहम खबरों के साथ। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच दो दिन की मुलाकात हुई। आपको बता दें कि चीन के राष्ट्रपति दो दिवसीय भारत दौरे पर थे। दोनों के बीच कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई और कई निर्णय भी लिए गए। भारत चीन संबंधों को विकसित करने के लिए दीर्घकालीन योजना का आह्वान करते हुए चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत दौरे से लौटने के बाद कहा कि भारत और चीन के संबंधों को किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं पड़ने दिया जाएगा। चेन्नई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ लंबी बैठक के दौरान शी जिनपिंग ने कहा कि दोनों देशों के बीच सहयोग को द्विपक्षीय मतभेदों द्वारा खत्म करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। महाराष्ट्र और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों पार्टियां जी तोड़ मेहनत कर रही हैं। दोनों पार्टियों ने चुनाव के लिए कमर कस ली है। आज दोनों नेता महाराष्ट्र में गरजने जा रहे हैं। आपको बता दें कि बीते कुछ दिनों पहले राहुल गांधी अपने विदेश दौरे पर थे। कयास भी लगाए जा रहे थे कि राहुल गांधी शायद विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार नहीं करेंगे, लेकिन आज दोनों पार्टियों के दिग्गज नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी महाराष्ट्र में गरजने जा रहे हैं और चुनाव रैली में आज अपनी हुंकार भी बनेंगे। दोनों नेता आज चुनाव रैलियों को संबोधित करने के लिए इस दौरान एक दूसरे पर निशाना साधते भी नजर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को महाराष्ट्र में दो रैलियों को संबोधित करेंगे। मोदी ने एक ट्वीट में बताया कि वो जलगांव और सकोली में रैली को संबोधित करेंगे। मोदी ने ट्वीट पर कहा, महाराष्ट्र में कल प्रचार करूंगा, जलगांव और सकोली में रैलियों को संबोधन करने के लिए उत्सुक हूँ। वहीं राहुल गांधी भी आज महाराष्ट्र में 3 रैली को संबोधित करेंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां जी जान से मेहनत कर रही हैं। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के स्टार प्रचारक विधानसभा चुनाव की रैलियां करने के लिए हरियाणा में आ रहे हैं और अपनी चुनावी रैलियों में हुंकार भी भर रहे हैं। गौर हो कि बीते कुछ दिनों पहले गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा का दौरा कर चुके हैं और उम्मीदवारों के लिए कई जनसभा भी संबोधित कर चुके हैं। उसके बाद उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी बीते कल हरियाणा के दौरे पर थे। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए जल्द ही हरियाणा आएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि आज हरियाणा में बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। उससे पहले कांग्रेस और इनेलो पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। बता दें कि यह घोषणा पत्र एक प्रेस वार्ता के दौरान चंडीगढ़ में जारी किया गया है। हिमाचल का कारागार विभाग हिमाचल की जेलों में बंद कैदियों को नई सौगात देने जा रहा है। जेलों में बंद कैदी अब रोजाना 30 मिनट तक किन्हीं 3 नंबरों पर वीडियो कॉल के जरिए बात कर सकते हैं। शुरुआती दौर में चुनिंदा जेलों में इसको लेकर प्रयास किए गए और दिक्कत न होने पर अब सभी जेलों में ये सुविधाएं विस्तार से पूरी की जाएंगी। बातचीत के दौरान जेल के कर्मचारी मौजूद रहेंगे ताकि रही सही बात पर नजर रखी जा सके। कुछ समय पहले शिमला की एक जेल में कैदी और जेल कर्मियों के बीच मारपीट की वीडियो सामने आई थी। डीजी जेल सोमेश गोयल ने बताया कि कैदियों के पहले से दर्ज जो नंबर करवाए गए हैं उन पर ही 3 मिनट कॉल करने की इजाजत दी जाएगी और उस पर विस्तार से चर्चा भी की जाएगी कि कहां और किस नंबर पर बात हुई है। अब वो वीडियो कॉल भी कर सकेंगे, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं नंबरों पर की जाएगी जो पहले से जेल प्रशासन को बताए गए हैं, यानी कैदी अपने परिवार वालों से अब रोज भी बात कर सकते हैं। पीएम मोदी के तमिलनाडु में समुद्र किनारे कचरा उठाने के वायरल हो रहे वीडियो पर मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि पीएम नौटंकी करते हैं। आप सभी ने भी देखा होगा कि सफाई के नाम पर किस तरह पीएम नौटंकी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पीएम निर्णय जल्दी ले लेते हैं, जितना विषय पर सोचना चाहिए वो नहीं सोचते, नौटंकी लागू कर देते हैं। अब उन्होंने जीएसटी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि पीएम की आलोचना बतौर कांग्रेस नेता होने के नाते ही नहीं की जाती। एक संस्था के समारोह में भाग लेने धर्मशाला पहुंचे दिग्विजय सिंह ने पत्रकारों के धारा 370 को लेकर पूछे सवाल पर कहा कि मैं अमित शाह पर भरोसा नहीं करता, आप करना चाहते हैं तो करें। राफेल पर सुरक्षा मंत्री द्वारा ओम लिखकर पूजा करने पर दिग्विजय ने कहा कि मुझ पर आपत्तित नहीं है। उन्होंने कहा कि एक तरफ पीएम कहते हैं कि लोग मिर्ची नींबू से पूजा करते हैं और दूसरी तरफ उन्हीं के रक्षा मंत्री राफेल के पहियों के नीचे नींबू रखते हैं। मुझे लगता है कि ये विरोध है। उनका अधिकार है प्रचार करने का। आपने देखा नहीं नाटक नौटंकी किस प्रकार कर रहे थे वहाँ पे समुद्र के किनारे?
भीतर घमासान मचा हुआ है। कहाँ पर जी? हरियाणा विधानसभा चुनाव में कितने गुट बन गए हैं? नहीं देखिए, अरे घमासान युद्ध हो रहा है भाजपा और कांग्रेस में, सहमत नहीं हूँ। फिर एक ट्वीट आपने किया है भाजपा बोला है कि हनी ट्रैप मामले के ऊपर, यह है वहाँ पे मध्य प्रदेश में एक बड़ा ये स्कैम हुआ है, स्कैंडल है, उसमें हैं कुछ लोग। आपको पता है सर, व्यापम दबाने के लिए इसको आगे किया जा रहा है जी, व्यापम घोटाले को दबाने के लिए हमें नहीं, व्यापम घोटाले को तो उजागर हम करना चाहते हैं उसको। कांग्रेस के होने के नाते नहीं मैं आलोचना कर रहा हूँ प्रधानमंत्री जी की। प्रधानमंत्री जी निर्णय जल्दी ले लेते हैं, जितना किसी भी विषय पर सोचना चाहिए नहीं सोचते। अब जैसे नोटबंदी लागू कर दिया, नए नोट नहीं छापे, साथ में एक महीने में 55 बार गवर्नमेंट ऑर्डर्स निकले हैं अलग अलग तरीके से। अंतर्राष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव की 5वीं सांस्कृतिक संध्या में पहाड़ी व बाहरी राज्यों के कलाकारों ने खूबसूरत नृत्य पेश कर दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। वहीं मध्य प्रदेश के कलाकारों ने अपने घनघोर लोक नृत्य प्रस्तुत किए, जो मध्य प्रदेश में चैत्र नवरात्रों में ग्रामीण क्षेत्रों में शिव और पार्वती के रूप में धन्य राजा व रघुवाई की आराधना की जाती है। वहीं मलेशिया के कलाकारों ने अपने खूबसूरत नृत्य से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया और एक से बढ़कर एक संस्कृति प्रस्तुति की। सांस्कृतिक संध्या में एन ग्रुप डांस व एचआर ग्रुप डांस के बेहतर डांसर ने प्रस्तुति पेश की और दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। सांस्कृतिक संध्या में दर्जनों स्थानीय कलाकारों ने भी अपने गायकी से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया और दर्शकों का मन बटोर लिया। सांस्कृतिक संध्या में स्टार कलाकार सुरेश बाडाकर, ज्योतिका टांगरी, कुशल पाल व पंजाब के मशहूर गायक निंजा जैसे कलाकार भी भीड़ में उमड़ते नजर आए। लोक निर्माण विभाग जेई एसोसिएशन के जिला प्रधान बने पवन चंदेल। सर्वसम्मति से हुई गठित कार्यकारिणी हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग जेई एसोसिएशन सोलन खंड के जिला प्रधान की दूसरी बार कमान पवन चंदेल को सर्वसम्मति से सौंपी गई। लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह नालागढ़ में जेई एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आईसी शर्मा की अध्यक्षता में ये बैठक आयोजित हुई, जिसमें कार्यकारी का भी गठन किया गया। बैठक में एक्सीएन एचएच विभाग ठियोग गुरमीत राणा ने विशेष रूप से शिरकत की, जिनका एसोसिएशन के पदाधिकारियों व सदस्यों ने भव्य स्वागत किया और स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया। कार्यकारी में संघ के जिला प्रधान पवन चंदेल बनाए गए, जबकि जेएल कांटा को महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। राजेश शर्मा को वित्त सचिव, एलएलआर कोंडाल को संगठन सचिव, पुण्य शर्मा को संयुक्त सचिव, मनोज को प्रेस सचिव, आईसी शर्मा को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, सुनील शर्मा, जोगिंदर ठाकुर, डीपी ठाकुर व योगेंद्र कश्यप को उपाध्यक्ष, मोहित शर्मा, हरीश पुंडीर, नरेश जमवाल, शिव कुमार लखंडीवाला को डीएल सेक्रेटरी बनाया गया। हमारी मीटिंग जो नालागढ़ रेस्ट हाउस में आयोजित हुई जी एसोसिएशन की, उसमें हमारे सोलन जिला का चुनाव था, तो उसमें हमारा जो ये सारा चुनाव हुआ उसमें बड़े हर्षोल्लास से ये किया गया और इसमें किसी भी प्रकार का कोई आपस में टकराव नहीं हुआ और सर्वसम्मति से हमारे प्रधान पवन चंदेल जी बने और जनरल सेक्रेटरी हमारे कांटा जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे आईसी शर्मा और मुझे ये इस संगठन में ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी की जिम्मेवारी दी गई। और इस प्रकार से जेई एसोसिएशन में जो समस्याएं चल रही है प्रदेश स्तर पे इस वक्त इंजीनियर्स को कुछ इस प्रकार की दिक्कतें आ रही है, उस पर भी हमारी डिटेल में चर्चा हुई और उन सारी चीज़ों को हम माननीय हमारे ENC साहब से, सेक्रेटरी साहब से और मुख्यमंत्री से सारी भविष्य में हम हमारी स्टेट बॉडी के साथ इसको वहाँ व्यक्त करेंगे, क्योंकि इंजीनियर्स ही इस हिमाचल को बुलंदियों पर ले जा रहा है, निर्माण कार्य में उसकी बहुत महती भूमिका है और अगर वो इंजीनियर्स को अगर उसको तनाव में लाया जाएगा, उसको दबाव बनाया जाएगा, तो प्रदेश में उस प्रकार की डेवलपमेंट में आनंद नहीं आएगा जो एक निरंतर आनंद आ रहा है। और प्रदेश विकसित हो रहा है तो जुनी की कड़ी मेहनत के कारण हो रहा है। अभी कुछ हिमाचल में चीफ इंजीनियर 4 हैं हमारे, 3 चीफ इंजीनियर धर्मशाला, मंडी और हमीरपुर जोन के हमारी फेडरेशन बन चुकी है।
पूरे देश में त्योहारों का पीक सीजन चल रहा है, लेकिन बाजार आर्थिक मंदी से उभर नहीं पा रहा। हिमाचल प्रदेश के सोलन में बाजार आर्थिक मंदी के चलते व्यापारी ज्यादातर नाखुश नजर आ रहे हैं और उनके माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा रही हैं। व्यापारियों ने कहा कि बाजार में मंदी काफी समय से है। उन्हें उम्मीद थी कि त्योहार आते ही मंदी कुछ कम हो जाएगी, लेकिन त्योहारों का सीजन खत्म होने वाला है, लेकिन उसके बावजूद भी बाजार में मंदी का वैसा ही आलम है। उन्होंने केंद्र सरकार से गुहार लगाई कि जल्द ही आर्थिकी मंदी से निपटने के लिए कुछ कारगर कदम उठाए जाए, अन्यथा घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। सोलन के व्यापारियों का मानना है कि GST और नोटबंदी आर्थिकी मंदी का एक सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि इसकी वजह से बाजार में मंदी आई है और ग्राहक हैं वो सेविंग नहीं कर पा रहे, और यही वजह है कि बाजार में आर्थिकी मंदी छाई हुई है। त्योहारों को एक बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। अभी नवरात्रि निकले हैं और तारा भी शुद्ध हो चुका है, तो शादियों के दिन काफ़ी हैं, तो मार्केट में कुछ फ्लो स्टार्ट हुआ है। लेकिन अभी भी अगर आप आर्थिक मंदी को देखा जाएगा तो हमारी इकॉनमी अभी पूरी तरह से बाहर नहीं आई है। उसका रीज़न क्या है? उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अभी इकॉनमी हमारी, जो देश की इकॉनमी है, वो सेविंग मोड में चली गई है। लोग जितने भी जो किसान है, बागवान है, या जो हमारे सर्विस क्लास लोग हैं, जो हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, हमारी इकॉनमी दो लोगों के, दो पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ पर आधारित है, एक बागवान किसान और दूसरा सर्विस क्लास। लेकिन इस समय एक माहौल ऐसा बन गया है कि सारी इकॉनमी जो है एक तरह से सेविंग मोड में है।